करते हैं मूक बधिर समाचार का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों में आज सीएम योगी के 3 कार्यक्रम हैं। पुरुलिया के रैली में सीएम योगी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच यूपी ने एक और कीर्तिमान हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कराने वाला राज्य बन गया है। यूपी में अब तक 30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 15 दिनों में कोरोना के करीब 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जबकि बीते 4 दिनों में लगातार 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में लड़कियों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 लड़कियां तेज रफ्तार बाइक पर बैठकर खतरनाक स्टंट कर रही थीं, वहीं एक दूसरे वीडियो में 3 लड़कियां एक बुलेट पर सवार दिखी। दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 11,000 का जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में लाखों बैंक अधिकारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों की यह हड़ताल बीते दिन से जारी है। आज भी अलग अलग बैंक संगठनों के बैनर तले करीब 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह से बाजार का काम प्रभावित हुआ। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान बैंक ऑफिस में पैसे जमा कराने, निकालने, चेक जमा करने जैसी सुविधाएं ठप रही। हालांकि एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाएं मिलती रही। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।